आज की वीडियो में आप सर्वाइकल की बीमारी में चक्कर आने की प्रॉब्लम के बारे में उसका समाधान जानेंगे। सर्वाइकल में चक्कर आता है तो उसको किस प्रकार से आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपकी आपको आज की वीडियो में जानकारी मिलेगी। आज की वीडियो में आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण चक्कर आने लगते हैं और लेटते हुए या उठते हुए चक्कर आते हैं, कई बार लेटते हुए चक्कर आते हैं और कमरा घूमने लगता है। तो जब ये चक्कर आते हैं तो उस समय रोगी परेशान हो जाते हैं। सर्वाइकल के चक्करों को एक्यूप्रेशर के माध्यम से आसानी से रोका जा सकता है और सर्वाइकल के ऊपर हमारी कई वीडियो बनी हुई हैं सर्वाइकल पेन के ऊपर, तो आप इन वीडियो को हमारे आई बटन पे देख सकते हैं। सर्वाइकल का इलाज किस प्रकार से किया जाता है, यदि किसी को सर्वाइकल के कारण चक्कर आते हैं तो ये प्रोटोकॉल आप और ऐड कर दें तो चक्कर आने में तुरंत लाभ मिलेगा। तो जो सर्वाइकल का ट्रीटमेंट आपको पहले बताया था उसमें बस स्मॉल फिंगर में वो और आपको अपने प्रोटोकॉल में शामिल करने तो लाभ प्राप्त होगा। इसमें ये बियोल मैग्नेट दिखाई जा रही है आपको, बियोल मैग्नेट यदि लगाने के बाद सफ़ेद दिखाई देती है तो ये एनर्जी को यहाँ टोन करती है और यानी कि बढ़ाती है, और यदि लगाने के बाद स्किन पर लगाने के बाद मैग्नेट यदि येलो दिखाई देती है तो ये एनर्जी को कम करती है या सिटेशन करती है। यहाँ पर ये हाथों में, दोनों हाथों में लगाने होते हैं ये पॉइंट, यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड में लगाकर दिखाए जा रहे हैं। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण या सर्वाइकल के कारण जो चक्कर आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा C1 यानी कि सर्वाइकल 1 पर जब नर्व दब जाती हैं तो सर्वाइकल नर्व के कारण ये चक्कर आने लगते हैं। तो C1 के कारण ये चक्कर आते हैं तो इसको दूर करने के लिए दोनों हाथों की स्मॉल फिंगर के कप जॉइंट पर आप 2-7 सीडेट और पॉइंट नंबर 5 और 6 को टोन करना होगा। क्योंकि सर्वाइकल के ये पॉइंट C1 पर काम करेंगे और सर्वाइकल C1 और C2 ये हमारे स्मॉल फिंगर के कप जॉइंट पर इनकी लोकेशन है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार। और ये चक्कर कई बार इतनी तेज आता है जब गर्दन ऊपर नीचे करते हैं तो व्यक्ति चक्कर के कारण गिर भी सकता है और गंभीर रूप से चोट लगकर घायल भी हो सकते हैं या बेहोश हो सकते हैं। तो इस स्थिति से बचने के लिए यहाँ पर दिया गया ये प्रोटोकॉल हमने कई रोगियों पर इसको लगाकर देखा है और सबको लाभ प्राप्त हुआ है। तो आप भी अपने प्रोटोकॉल जो भी आप दे रहे हैं सर्वाइकल के उसमें ये चक्कर आने के लिए जो प्रोटोकॉल सामने है इसमें 4 मैग्नेट लगाई जाती हैं, ये मैग्नेट आप लगाएं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। तो स्मॉल फिंगर में 2-7 को सीडेट करना होगा, 5-6 को टोन करना होगा और सेंटर में 0 होता है उसके बाद बराबर में ये स्मॉल फिंगर के बाहरी तरफ 2 दिखाई दे रहा है और उंगली के जस्ट पीछे यांग भाग में 9 को छोड़ना पड़ेगा और उसके बराबर में 7 आएगा, 7 के बराबर में 6 आता है और 5 रिंग फिंगर की साइड पर यिन यांग बॉर्डर पर ये आएगा स्मॉल फिंगर में, तो 5 यहां पर लगेगा। तो इस प्रकार से ये पॉइंट आप प्रतिदिन लगाएं, आपको 1-2 दिन में 3 दिन में ही लाभ प्राप्त होने लगेगा। साथ ही यदि गर्दन जकड़ी है तो आप इस चित्र में दिखाए जा रहे हैं सर्वाइकल करस्पोंडेंस पर अंगूठे के पीछे यांग भाग में सेंटर में रेड कलर लगाएं और साइडों में ऑरेंज कलर,
तो ये वात और कफ ज्वाइंट के बीच में लगाए जाते हैं, और इस कलर को आप 4 से 6 घंटे रखेंगे तो कोई असुविधा हो तो कलर को हटा दें। मेथी पट्टी भी आप इस सर्वाइकल के कॉरेस्पोंडेंस पर लगा सकते हैं, जिस प्रकार से ये मेथी पट्टी दिखाई जा रही है आपको इस चित्र में अंगूठे के पीछे, तो इसको पेपर टेप से लगा लीजिएगा और 6 से 8 घंटे आप लगाकर रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। कई रोगियों पर इसको लगाया गया और उनके लाभ प्राप्त हुए, इसलिए ये आपको ट्रीटमेंट आज की वीडियो में आपको बताया जा रहा है। तो लाभ उठाएं और अपने फीडबैक अवश्य लिखें। कैसा लगा आपको यह वीडियो? क्या आपको यह वीडियो वाकई अच्छा लगा, या लगता है कि यह वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है जो इस बीमारी से पीड़ित है, तो उनको यह हेल्प आउट कर सकता है? तो आप अपने व्हाट्सएप पर जाइए और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स और मिलने वालों के साथ शेयर करिए। शेयर करने से जीवन में भी खुशहाली आएगी और वह आपको थैंक्स बोलेगा, और इससे मेरा यह एक छोटा सा मैसेज तमाम जरूरी लोगों तक पहुंच जाएगा। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा या कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या आपका कोई भी सवाल है तो जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। नए हो तो सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करिए। आज की वीडियो में इतना ही, और एक बार फिर नई वीडियो के साथ फिर वापस आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।